हेलो, आज हम आपको दिखाएंगे पैकपर का मिल्क डिलीवरी बैग। ये बेसिकली हमारा जो मिल्क डिलीवरी बैग है, ये हमारा 16 बॉटल के वेरिएंट का है। मतलब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस में बैग आते हैं, लाइक 12 बॉटल बैग, 20 बॉटल बैग, 16 बॉटल बैग। सो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं 16 बॉटल का बैग। ये बेसिकली ब्लैक कलर में मोस्टली अवेलेबल होता है। सो अभी हम आपको ब्लू कलर का दिखा रहे हैं। सो ये हमारा है 16 बॉटल का बैग। पहले मैं आपको आउटर डायमेंशंस दिखा देता हूँ, आउटर जो हमारे स्ट्रक्चर्स में है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिलता है एक बड़ा ब्रांडिंग का ऑप्शन। ये ट्रांसपेरेंट पॉकेट है, इसमें आप अपना ब्रांड नेम लोगो डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पैकपर का डाला हुआ है। नीचे से ओपनेबल है, इसमें आप अपना पैकपर का जैसे मैंने डाला हुआ, इसी तरीके से आप अपने ब्रांड का इसमें लोगो या पैम्पलेट या कोई भी प्रमोशनल आइटम्स आप इसमें डाल सकते हैं। स्टार्टेड। टॉप में इसके एक हैंडल मिलता है, जिससे कि इस बैग को उठाया जा सकता है। एंड कुशन हैंडल है, ये उठाने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसके हम साइड में आते हैं, तो साइड में हमने राइडर्स के लिए, इनकेस राइडर्स अपने जो वाटर बॉटल वगैरह या ETC कुछ कैरी करना चाहें तो वो इसमें वो कैरी कर सकते हैं। एंड अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में हमने पैम्पलेट वगैरह, जैसे कि लड़का जो भी बॉय है, वो डिलीवरी बॉय जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो अपनी कंपनी के नेम पैम्पलेट्स वगैरह रख सकता है इस ऑप्शन में, ठीक है। बैक साइड में आपको बैकपैक मिल जाता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन बैकपैक है एंड काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ये एडजस्टेबल बेल्ट आती है इसमें, जिससे कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है। एंड इसके बाद आता है हमारा कमर पे, वेस्ट पे हमने बैग दी हुई है जो ड्यूअल एडजस्टेबल है, दोनों साइड से एडजस्ट होता है। बैक पैडिंग दी हुई है, जिससे कि राइडर को कम्फर्ट रहता है। बात करते हैं मजबूती की, तो हमने इसको एडिशनली बेल्ट, एक सेम बेल्ट इनर साइड में हमने दे के इन दोनों बैकपैक्स को उसके बीच में फिक्स करके एंड काफ़ी मजबूती पे काम किया है, ताकि एक इस पर वेट होता है, जिसके कारण काफ़ी इस पर वेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है। पिट्ठू जो है आपके बैकपैक्स, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब आते हैं फ्रंट साइड में अगेन। सो अब मैं आपको इसकी ओपनिंग दिखाता हूँ। इसमें हमने पुश क्लिप्स, जो प्लास्टिक पुश क्लिप्स होती हैं, उनके थ्रू हमने ओपनिंग दी है। तीन साइड में हमारी ओपनिंग होती है इसकी। इसके बाद वेलक्रोज के थ्रू ये अटैच होता है। ये तीन साइड में वेलक्रोज मिलते हैं, जो क्लैप है इसके सील करने के लिए। देन आप हम आते हैं इनसाइड में। इनसाइड में हमें 16 स्लॉट्स मिलते हैं। इसमें हर एक बॉटल का पर्टिकुलर स्लॉट है, थोड़ा सीधा करिए। इसमें 16 बॉटल का पर्टिकुलर स्लॉट है हर एक बॉटल का। एक सेकेंड क्लोज करिए। स्टार्टेड। अब मैं आपको इसका इनसाइड व्यू दिखाता हूँ। इनसाइड में आपका ये 16 बॉटल का स्लॉट होता है, हर एक बॉटल का अपना पर्टिकुलर स्लॉट है। अगर मैं एक थोड़ा क्लोज आई, पर्टिकुलर बॉटल के लिए हर एक कुशन, इसमें कुशन होता है, पर्टिकुलर बॉटल का पर्टिकुलर स्लॉट है, हर एक बॉटल का अपना इंडिविजुअल स्लॉट है, जिससे ही क्या होता है कि ये इसमें एक दूसरे से टकराती भी नहीं है और अपना खुद का जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इस तरीके से हमने 16 बॉटल का इसमें स्लॉट दिया हुआ है। इसकी जो साइड वॉल्स हैं, साइड वॉल्स तकरीबन आपकी 1 इंच मोटी इंसुलेशन होती है इसमें। हार्ड स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, ताकि इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे एंड इसकी शेप भी हार्ड रहे। एंड इंसुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर का काफ़ी अच्छा बना रहे, मतलब अंदर आप अगर ठंडा आइटम कैरी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इंसुलेशन बना रहे। सो इसमें 16 बॉटल का आता है। एंड ये जो बीच का पार्टीशन है, ये आप रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूवेबल ऑप्शन में आता है, ताकि इन केस अगर आपको कुछ और एडिशनल आइटम्स कैरी करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मिल्क डिलीवरी का बैग होता है।